मेंबरों मेहरा फाउंडेशन की जानिब से गुलबर्गा शहर के मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान में ऑल इंडिया एक रोजा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। ये प्रोग्राम मेंबरों मेहरा फाउंडेशन के फाउंडर जनाब गयाज अहमद रशादी साहब की निगरानी और मौलाना नजीर अहमद रशादी साहब की मेजबानी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आसाम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और दीगर रियासतों से तमाम जिम्मेदार तशरीफ लाए थे। सभी जिम्मेदारों ने मेंबरों मेहरा फाउंडेशन के जरिए अब तक की गई अपनी अपनी कारगुजारी सुनाई और आगे किए जाने वाले कामों को इजहार किया है। इस मौके पर मौलाना गयाज अहमद रशादी, मौलाना नजीर अहमद रशादी के अलावा मौलाना शरीफ मजहरी, मौलाना महफूज, मौलाना तला वानियमबादी, मौलाना गौसुद्दीन, मौलाना शफीक, मौलाना वाहिद और दीगर कई खास मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नौजवानों को मस्जिद से अहले इल्म से जोड़ने के लिए मस्जिद वाली ग्रुप्स बनाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़ायद ग्रुप्स बन चुके हैं मेंबरों में आपके तहत, जिसमें हजरत वाला का दरस कुरान भी आता है और मस्जिद से मुताल्लिका नमाज के औकात भी आते हैं और कोई अहम दीनी मिली मसला वक्ती होता है तो उसको भी उसके ताल्लुक से भी बयान आते हैं। इसी तरह नौजवान फिरते हैं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्या बनना है, यहाँ आगे क्या करना है आपको, देखेंगे वो साहब अल्लाह जो बना था देखेंगे। अरे ये तवक्कुल का गलत मफहूम हमारे मुसलमानों के अंदर पता नहीं कहां से बैठ गया और कैसे बैठ गया। क्या बनना है, हत्या के एक वालिद बैठे हुए सामने, बच्चा पबजी खेलते बैठा हुआ है, अब्बा को पूछ रहा हूँ कि बच्चे को क्या बनाने का इरादा है, देखेंगे वो साहब अल्लाह क्या बना है। बच्चे को पूछा तुम्हारा क्या बनने का इरादा है, क्या है भी देखेंगे बाबा क्या बोलते। तो अब्बा का ये हाल है तो फिर आप बच्चे का क्या हाल होगा। तो बहरहाल हमने फिर वहां ही चबूतरे पर बैठकर वालिद को औलाद की तरबियत की फिक्र दिलाई और बच्चों को 10th पास कराने के लिए सफावतुल माल से जो टॉस का एग्जाम दिलाया जाता है उस सिलसिले में हम रहनुमाई भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह नौजवानों से मुलाकात करके उनकी बहनों को और उनके घर के खवातीन को दीनी मराकिज़ निस्वा जो चल रहे हैं मेरा उससे भी जोड़ने की हम अल्हम्दुलिल्लाह बात करते हैं। जायजे के बाद फिर मैंने सवाल किया, ऐसी भी कोई बहन है आप में कि इस मरकज में आने से पहले उसको नमाज ही ना आती हो, नमाज ही उसके पास ना आती हो? तो एक बहन ने माइक लिया और कहा कि मैं वो, मुझे मरकज में आने से पहले नमाज की सुभानक अल्लाहुम्मा भी याद नहीं थी। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये कारगुजारी बताने के लिए वक्त बहुत दरकार चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस उनवान के तहत हम लोग रहकर ही काम कर पाएंगे। अगर हम किसी तंजीम से जुड़ते हैं और उसके बुनियादी मकासद और मिशन को हासिल करने के लिए वसाइल का होना निहायत ही जरूरी है, जैसे कि इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत बुनियादों की जरूरत होती है। बीदर औराद जो महाराष्ट्र से इलाके में लगता है, सिर्फ 3 मस्जिदें हैं उस तालुके में, 3 से 4 मस्जिदें हैं। जब आपकी पूरी रिपोर्ट हमने खवातीन की निकाली, आप हैरान हो जाएंगे, 70% गरीब औरतें संगम लगे। अब इसका हमारे पास इंडिया लेवल पर, यहाँ कर्नाटक लेवल पर क्या फिलहाल है जमीन पर इस पर काम करने के लिए, वो जवाब आपको तलाश कर सकते हैं। और जब हमारा एक पशु कल्याण में प्रोग्राम हुआ, वहां के अतराफ के देहात के जो है उलमा इकराम आए और कुछ कारगुजारी सुनाने से पहले सदर मोहतरम यहाँ बैठे हुए हैं, शायद वो भी आए हो, उनको गुजारिश की गई, रोना शुरू कर दी। सदर मोहतरम ने उनसे कहा कि बताओ आखिर क्या बात है, तो कहने लगे कि मौलाना हमारे यतीम और गरीब बच्चियां गैर कौमों के पास काम को जाती हैं, वो सूद भी दिए हैं और बच्चियों से उन्हें नाजायज ताल्लुकात भी कायम किया है। इस गुलबर्गा से 30 किलोमीटर के फासले पर आप हैरान हो जाएंगे कि हालात किस हद तक गए गुजरे। गैर कौमों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात, मुसलमान औरतों के जो ताल्लुकात हैं, संघ को जरिया बनाकर काम किया जा रहा है। अब इसको छुड़ाने के लिए शोर बेदारी का काम, ये मराकज का काम इंतहाई अहम काम है। बदलते हालात में मर्ज व मर्ज के साथ इलाज हो, इतनी औरतों को फायदा पहुंच रहा है कि मैं उसको बता नहीं सकता। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि आलिम बाखबर होता है वो बेखबर नहीं होता है। हालात से बाखबर होना चाहिए और बाखबर है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बहुत सारी बातें उलमा कराम से यहाँ सीखने को मिली, मैं उन बातों को दोहराता नहीं। यकीनन हम कुरान पढ़ेंगे और हदीस तैयबा पढ़ेंगे, तो कुरान और हदीस से दावत का हुक्म दिया गया है, कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर। काम जरूरी है लेकिन तरीक़ेकार हालात पर, मुल्क के एतबार से, वहां के हालात के एतबार से छोड़ा गया है। गहराई में ले जाके देखिए, इसलिए आज के जो मौजूदा हालात है, आज का जो दौर बिल्कुल दज्जाली दौर है और दज्जाली फितने हमारे सामने बारिश के कतरात की तरह बरस रहे हैं, तो इनको सामने रखकर तकाजे जिस हमें हालात का जो जायजा लेकर जो तकाजों पर काम करने के लिए खड़े होने की जरूरत है। यकीनन जो है, जैसे एक मिसाल के तौर पर आज के दौर में कोई यहाँ से पैदल हज को जाना चाह रहा प्लेन है, तो मैं समझता हूं कि वह सवाब नहीं बल्कि हिमाकत कर रहा है। सबसे कीमती सरमाया इंसान की जिंदगी का है, तो उसकी आदमी कदर करनी चाहिए। अजर और सवाब तो इखलास पर मिलने वाला है, ना कि सबक जाया करने के एतबार से। तो हालात के एतबार से जदीद चीजों का जो इस्तेमाल है उसको भी करनी चाहिए। शाहजी साहब बातों से ज्यादा कामों पर नजर रखते हैं, वो सिर्फ फरमान से काम नहीं लेते, वसाइल मुहैया करते हैं। ये सच है कि बगैर वसाइल के मसाइल हल नहीं होते। हजरत ने उम्मत को बेदीनी और गफलत की इस गहरी खाई से निकालने के लिए तमाम दरकार वसाइल बफजलिल्लाह इनायत फरमाए। 2024 मई के महीने में हमको एक तर्जुमान मिला और हमने पहले महाराष्ट्र के 36 जिलों का नक्शा बनाया, क्योंकि जब काम का मैदान सामने होगा तो काम करना आसान होगा। 36 जिलों का नक्शा, उनके तालुके, उनके गांव और उन गांवों में कितनी मस्जिदें हैं, तालुके में कितनी मस्जिदें हैं, जिलों में कितनी मस्जिदें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से बैठे बैठे इस काम का करना बहुत आसान होता चला गया। इतने बड़े काम को लम्हों में हल करना आसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हमने गवर्नमेंट के 6 जोन पर महाराष्ट्र रियासत तकसीम है, उन 6 जोनों में तकसीम किया उसको, औरंगाबाद जोन, अमरावती जोन, नासिक जोन, कोकण जोन, पूना जोन और नागपुर। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद, अमरावती, कोकण और नागपुर जोन का पूरा मरहला अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। तमाम आइम्मा और तमाम तालुकेदार को जिलों के मसाजिद की लिस्ट आइम्मा की फहरिस्त फोन नंबर के साथ तैयार हो चुकी है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की मुहिम का सिलसिला जारी है, तकरीबन बन चुका। और उन मसाजिद में हजरत मौलाना राय अहमद रशादी साहब की जो तफसीर आम फहम दरस कुरान आई है उसको राइज करने की कोशिश जारी है। औरंगाबाद, सिल्लोर और करीब के जालना और बरभली की बेशुमार मसाजिद में यह सिलसिला शुरू हो चुका है। ये इस मौके पर बताते हुए खुशी हो रही है कि औरंगाबाद शहर की बहुत मायाना शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, जो मौलाना जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही के क्लास के साथी है, उन्होंने 3 मरतबा 3 मसाजिद में देखा तकसीम, तो खूब खुशी का इजहार किया और आखिरकार वो जिस मस्जिद में इमामत करते हैं मारिफुल कुरान और दीगर तफासीर की तफसीर बन करके ये इजहार करने पर मजबूर हुए कि वो तफसीर लोगों के समझ में नहीं आ रही, तो दिमागी वाले क्या कहते हैं। मिंबर मेहराब फाउंडेशन की जो तहरीक है, चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें, वो इस एक साल से ये मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रही है, और इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह रियासत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह में इसका काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ज़िले सतह पर इसके तर्जुमान और जोन के अतबार से तर्जुमान और सुदूर हैं माशाल्लाह से। आज का ये इजलास मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब की मेज़बानी में मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान गुलबर्गा में मुनक़िद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आसाम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह से जो जिम्मेदार अहबाब थे, सुदूर तर्जुमान और ज़िले नुमाइंदगान सारे के सारे तशरीफ लाए, अपनी अपनी कारगुजारी सुनाई, और जितने डिपार्टमेंट्स इस तहरीक के हैं, दीनी उमूमी, दावत दीन का मसला हो,
और बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम का मसला हो, मॉरल साइंस का मसला हो और मराकज़ निस्वान के क़ियाम का मसला हो और जो भी जितने काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम की तफसीलात सामने आई हैं। हमारा पैगाम यही है कि जो लोग दीनदार हैं उनको चाहिए कि वो अपनी दीनदारी पर इक्तफा न करें बल्कि वो अवाम में घुसें और उन लोगों के पास पहुँचें जो अभी तक दीन की तरफ माइल नहीं हुए हैं और उनके पास पहुँच कर उनको दीन की बातें करें, उनसे दोस्ती करें और इस्लाम के इस पैगाम को पहुँचा कर उनको मस्जिद से वाबस्ता करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज इतवार 25 अगस्त मेंबर मेरा फाउंडेशन इंडिया के तमाम सुदूर तर्जुमान हजरात दाइयान मुरब्बियान का आल इंडिया जो है तरबियती एक रोज़ा प्रोग्राम था, बहुत कामयाबी के साथ चला जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 से ज़ायद स्टेट के अहम जिम्मेदारान तर्जुमान हजरात तशरीफ़ लाए थे। मुल्क भर के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, फील्ड में उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के ज़रिए से ख़वातीन में, स्कूलों में, नौजवानों से मुलाकात, मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाले बड़ी अच्छी कारगुजारियाँ सुनाई और शहर के कई एक अमायदीन तुजार और शहर के जो है ना कई एक नामवर उलमा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम के लिए हिम्मत अफजाई कलिमात कहे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्क भर से आने वाले उन तमाम उलमा इकराम का जिन्होंने हमारी गुजारिश पर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर मेहराब फाउंडेशन ऑल इंडिया का तरबियती निज़ाम गुलबर्गा में मुनक़िद करने का मौका दिया। अल्लाह ताला सब के आने को बेइंतहा कबूल फरमाए और सदर मोहतरम हज़रत मौलाना गयास साहब रशादी बानी व मुहर्रिक मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम मुनक़िद था और मौलाना ने जो है इस प्रोग्राम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस एक बड़ी टीम को तैयार किया है जो फील्ड में काम कर रही है। हम मौलाना के ममनून और मशकूर हैं और सब ने मौलाना के लिए दुआएँ की और कहा कि हम हाथ पैर बनकर इंशाल्लाह मुल्क के बदलते हुए हालात में काम करने के लिए तैयार हैं और कई लोगों ने इसके लिए ताउन किया। जज़ाकल्लाहु खैर। सलाम अलैकुम।